हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आज जो एग्ज़ाम हुआ है रेलवे ALP CBT 2 का 21 जनवरी 2019 में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों, बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का प्रारूप देख लेते हैं। तो देखिए, SI और CI से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्क एंड टाइम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और पाइप और टंकी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। यदि मेंसुरेशन की बात करते हैं तो मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए और ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए और प्रोग्रेसिव सीरीज से 1 क्वेश्चन पूछा गया, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया। एलजेब्रा की बात करते हैं तो एलजेब्रा से 5 क्वेश्चन पूछे गए। ये तो मैथ का प्रारूप। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का, 4% वार्षिक दर से 1200 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष में 2 गुना होगा। ये मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा गोल करने वाले भारत के कौन से खिलाड़ी हैं। तो सबसे ज्यादा गोल करने वाले भारत के खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि cos 30 प्लस सेकेंड 30 का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला भारत रत्न अवार्ड किसे दिया गया। तो पहला भारत रत्न अवार्ड ये S राधा कृष्णन को दिया गया। किसे दिया गया? S राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होगा। तो 1 किलोवाट घंटा का मान होगा 1 - 3.6 × 10 जूल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये बुक पूछी गई थी, माई अनक्रिएटली मेमोरीज बुक से किसकी है। तो ये बुक थी ममता बनर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, अंकोरा वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरा वाट मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कंबोडिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है और कंबोडिया की राजधानी क्या है और कंबोडिया की मुद्रा क्या है। इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन था, जम्मू कश्मीर का नृत्य क्या है। तो जम्मू कश्मीर का नृत्य है मंजास राव हिकात। क्या है? मंजास राव हिकात। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है हिमंत विश्वा। कौन है? हिमंत विश्वा। ये मैथ का क्वेश्चन पूछा गया कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का SI और CI का अंतर कितना होगा। ये मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। यूनिट से भी आप क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया कि साइन 45 कॉस 45, ये क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक अश्वशक्ति किसके बराबर है। तो एक अश्वशक्ति ये 746 वाट के बराबर है। अगला क्वेश्चन था, पानी का घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर प्राप्त होता है। तो पानी का घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फीफा वर्ल्ड कप विजेता 2018 कौन था। तो फीफा वर्ल्ड कप विजेता 2018 फ्रांस था। अगला क्वेश्चन था, नितिन गडकरी का सांसद क्षेत्र कौन सा था। सॉरी, नितिन गडकरी का सांसद क्षेत्र कौन सा है। तो नितिन गडकरी का सांसद क्षेत्र है नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन था कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो टंगस्टन का गलनांक 3300 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगला क्वेश्चन था वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत का स्थान कौन सा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत का स्थान है 133वां। अगला क्वेश्चन था वन के डब्ल्यू एच किसके बराबर होती है। तो वन के डब्ल्यू एच ये 3.6 × 10 जूल के बराबर होती है। अगला था कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता। तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप पीवी सिंधु ने जीता। अगला क्वेश्चन था ध्वनि का वायु में गति। तो ध्वनि का वायु में गति 332 मीटर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन था कि गति का प्रथम नियम किसने दिया था। तो गति का प्रथम नियम ये न्यूटन ने दिया था। तो अगला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो वर्ल्ड पर्यावरण दिवस की थीम थी वीड द प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये आपका मैथ का क्वेश्चन था। यदि कोई दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करके फिर उस पर 10% की छूट देता है तो लाभ कितने प्रतिशत होगा। अगला क्वेश्चन था पानी में कोई वस्तु वास्तविक गहराई से कम क्यों दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन था विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन था क्षय रोग से बच्चों को बचाने के लिए कौन सा टीका लगाते हैं। तो क्षय रोग से बच्चों को बचाने के लिए VCG का टीका लगाते हैं। अगला क्वेश्चन था 16,641 का वर्गमूल क्या होगा। तो 16,641 का वर्गमूल होगा 29। अगला क्वेश्चन था पंजाब का लोक नृत्य क्या है। तो पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। हवा महल भारतीय राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1798 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लाल चंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, जिसमें 143 बेहद खूबसूरत और आकर्षण छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिन्हें झरोका कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी की निगाहें पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों से होने वाले रोजमर्रा की जिंदगी गतिविधियों का अवलोकन कर सके। इसके अतिरिक्त वेचुरी प्रभाव के कारण इन जटिल संरचना वाले जालीदार झरोकों से सदा ठंडी हवा महल के भीतर आती रहती है, जिसके कारण तेज गर्मी में भी महल सदा वातानुकूलित सा ही रहता है। तो ये था ये हवा महल। अगला क्वेश्चन था कि वंधुता किस देश के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन था 2018 में आईपीएल में फाइनल में कौन सी टीमों ने भाग लिया था। तो 2018 में आईपीएल में फाइनल में हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स ने भाग लिया था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग की जीत हुई थी। इसके बारे में विस्तार बहुत जानेंगे हम लोग। चेन्नई सुपर किंग्स CSK की तीसरी बार इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जीती है। टूर्नामेंट के 11वें सीजन में यह कमाल महेंद्र सिंह धोनी के धुरंधरों ने फिर से कर दिखाया। रविवार 27 मई को CSK ने फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद SRH को 8 विकेट से मात दी थी। मैच जीतने के बाद CSK की टीम मैदान में जोरदार जश्न मनाती दिखी। अगला क्वेश्चन था कि आपेक्षित घनत्व से भी प्रश्न पूछा गया था, पावर से भी प्रश्न पूछा गया था और प्रॉफिट एंड लॉस से भी आज प्रश्न पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, और नंबरिकल की से तो 15 प्रश्न पूछे गए थे, रीजनिंग से कम प्रश्न पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। और अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल कुछ 6 वर्ष के लिए होता है। चार्ट की बात करें तो चार्ट से 2 प्रश्न पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, और जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो काफी हार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन था रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी।
यदि मैं पाइप और टंकी की बात करते हैं, तो पाइप और टंकी से दो प्रश्न पूछे गए थे और प्रतिरोध से भी प्रश्न पूछे गए थे आज के पेपर में, कार्य समय और दूरी से भी प्रश्न पूछे गए थे। एक क्वेश्चन रीजनिंग का ये था कि वकील न्यायाधीश से है तो शिक्षक किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यदि वकील न्यायाधीश से संबंधित है तो शिक्षक किससे संबंधित होगा। तो देखिए, विज्ञान में त्वरण और एक इलेक्ट्रॉनिक से प्रश्न पूछे गए थे काफी ज्यादा। अगला क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट का, 1994 में बच्चों के लिए योजना किसके द्वारा चलाई गई थी। 1994 में जो बच्चों की जो योजना चलाई गई थी, ये किसके द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण ऊपर जाएगा तो क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक होता है जूल, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। भौतिकी में कार्य वर्क होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा से कुछ विस्थापित हो। दूसरे शब्दों में, कोई बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो तो कहते हैं कि बल ने कार्य किया। कार्य भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या ना कराने से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ये था कार्य के बारे में विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।